जब भी आपके जहन में बस्तर का नाम आता होगा तो आप बार बार यही सोचते होंगे कि बस्तर मतलब माओवाद, माओवाद मतलब खून खराबा, गोली बारूद और विस्फोट की आवाज़। लेकिन इसके अतर भी बस्तर में बहुत सारी आवाज़ें, पंछियों की आवाज़ें हैं कलरव करते और कलकल करते, झरनों की आवाज़, उन झरनों की आवाज़ भी आपके कानों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। एक और नए झरने से आपको रूबरू करवाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। झरने को देखेंगे तो आप में से कई दर्शक बोलेंगे कि साहब ये नया नहीं है, हमने तो इसे कई दफ़े देख लिया है। लेकिन मैं ये उन दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ जो बस्तर को सिर्फ माओवाद के नाम से जानते हैं, तो उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनके लिए एक नया झरना है। झरना केसकाल जो जिला है, जिला तो कोंडा गाँव है, केसकाल विधानसभा है, केसकाल विधानसभा के अंतर्गत है और इसे कुएमारी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका असल नाम क्या है इस झरने का? ये कोई कुएमारी बोलते हैं सर, कुएमारी इलाके का कोडाकल ऑफिशियल नाम है। कोडाकल ऑफिशियल इसका नाम है झरने का। और जब मैं यहाँ आया, मतलब आज रिजवान भाई के साथ हम लोग जो है लगातार केसकाल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तक मेरे लिए केसकाल सिर्फ केसकाल घाटी ही थी, बहुत खूबसूरत घाट थी और विकासशील लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया। लगातार बड़ी बड़ी सड़कें चल रही हैं, ट्रकें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, जिससे वो सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सरकार ने दावा किया था बदलेंगे तो सरकार सड़क बदल देंगे, सरकार बदल गई, सड़क नहीं बदली। दावे हैं, वादे हैं, पूरे नहीं होते। खैर, उस पर और कभी बात करेंगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस खूबसूरती के अलावा मैंने भी केसकाल को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया था। केसकाल पहुंचा, रिजवान भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया आइए आपको मैं दूसरे केसकाल से परिचय करवाता हूं। तो कई वो जलप्रपात दिखा रहे हैं, उसी में से एक ये कुएमारी जलप्रपात है। सबसे पहले यहां पे भैया मिल गए, बोले बस्तर टॉकीज देखते हैं, तो मुझे लगा कि सबसे पहले आपसे ही बात करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रकाश सूरी है सर। प्रकाश भैया, ये बताओ कि ये जलप्रपात सबसे पहले ढूंढा कौन? मतलब आप लोग तो खैर बचपन से ही देख रहे हो। कभी कभी आना होता था सर, जैसे जन्माष्टमी में घूमने का एक तरीका होता है। हाँ। मतलब वो होता है तो हाँ। उसी तौर पे हम लोग पैदल आते थे इधर। अच्छा, और कितनी दूर है आपका घर? यहाँ से 15 किलोमीटर होगा सर। और यही झरना के मतलब घूमने का एक वो बनता था, तो यारी दोस्त लोग साथ घूमने आते थे। अच्छा। तब ये झरना को देखे थे। यहाँ हाँ। तो बहुत सारे झरना है सर। कितने झरना है? और यहाँ से यहाँ पे करीबन 7-8 होगा सर। अच्छा, अभी तो ये छोटा छोटा झरना बोलने से बरसात में तो बहुत सारे रहते हैं, और बाकी 7-8 झरना जो साल भर रहते हैं। साल भर नहीं रहते सर, बरसात जैसे खत्म होता है तो थोड़ा थोड़ा कम धीरे धीरे सूखते चले जाते हैं। ये क्या है, ये पहले कैसा था ये? मतलब अब इसमें प्रशासन इसमें कोई व्यवस्था कर रही है? पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है पहले से, कैसा देख रहे हैं आप? हाँ सर, ये पहले था थोड़ा सा घना था, उसको पर्यटक थोड़ा बढ़ गए ना तो उसको थोड़ा सा मतलब साफ कर दिए आने जाने के लिए, और मस्त रस्सी वस्सी लगा दिए थे और उससे ही थोड़ा सा आना जाना हो रहा है, नहीं तो यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता था। क्या होता था? जैसे स्लिप विलिप होके पर्यटक, अब लोग स्लिप नहीं होते। हाँ, अब थोड़ा सा रस्सी गांव वाले अपने सुविधा किए हैं तो थोड़ा सा आना जाना के लिए होता है पहले ऊपर से। हाँ जी, ठीक है, बेहतर है। पहले कोई घटना हुई है क्या, कोई गिर के खत्म हो गया हो या इस तरह से? एक आध घटना पता है सर, बाकी तो उधर वाला पता है। अच्छा। यहाँ एक दो को मेरे को पता है, कंफर्म पता मौत हुई है। हाँ, मौत हुई थी लापरवाही के चलते। हाँ, बाहर के ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ना कि कैसे पर्यटक आते हैं और जब पानी वहाँ से स्लिप करके फिसलते हैं। हाँ, उसी तरह से कई बार जो है जी जी, तो उन पर्यटकों से भी विशेष अनुरोध है। हमारे खेमे भाई बता रहे हैं कि शूट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई पर्यटक घायल भी हुआ है। जी जी, सबको पता है हम गलत कर रहे हैं लेकिन हम करेंगे, क्यों? क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, और हर बार आपको कौन रोकेगा भैया कि आपके लिए खतरनाक है। और एक चीज़ और है कि आप खतरा उठाएंगे, आप घायल होंगे लेकिन बदनाम इलाका हो जाता जी है। जी, गांव वाले होंगे सर, है ना। हाँ। तो आप लोग क्या जिम्मेदारी उठाते हैं? आप लोगों को यहाँ से कोई फायदा होता है? और मैं देख रहा था टिकट विकट काट रहे हैं, तो उसमें आप लोगों की भी भूमिका है सर? वो गाँव वाले को थोड़ा बहुत मुनाफा होता है आने जाने में, और साफ सफाई भी करते हैं उनके हिसाब से, और समूह रस्सी वस्सी लगाए हैं वहाँ, गाड़ी लोग के लिए पार्किंग वार्किंग भी किए हैं, तो ये सब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं सर। उनको भी पता नहीं है कि और अच्छा करना है चाहिए और अच्छा करना। हाँ, सरकार भी बाथरूम सब किया है लेकिन चालू नहीं हुआ है। शौचालय की व्यवस्था सरकार बना दी है। हाँ, पानी वानी हो जाता सर। हाँ,
नल वालों का हो जाता ऊपर पिकनिक जैसे आए हैं तो उनके लिए पर्यटकों को भी लेकिन जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि आप यहाँ घूमने आए तो गंदगी ना करें। जी, मैं देख रहा हूँ कई लोग वहाँ खाना खा के वैसे ही छोड़ के चले गए और जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते हैं। 20 रुपए का टिकट कटाते हैं सर। जी जी जी। कितना रिजवान भाई कितने का टिकट कटता है वहाँ पे? 10 रुपए प्रति व्यक्ति, लेकिन गंदगी 100 रुपए से ज्यादा कर देते हैं, है कि नहीं? भैया आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम टेमेश्वर कुमार दीवान है। कहाँ से हैं खेमेश्वर जी? मैं प्रापड़ तो गरियाबंद जिला से हूँ। अच्छा। अभी मैं केशकाल ब्लॉक में धनोरा क्षेत्र में शिक्षा सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। पहली बार आए? नहीं मैं आते रहता हूँ। अच्छा, लगभग। अच्छा हर साल आ रहे हैं? बताओ गरियाबंद से भैया आते हैं हर साल? और हम बस्तर के लोग पहली बार आ रहे हैं। यही रहने पे होने चले जाते हैं जी कभी कभार, क्या समय मिलता है तो। नहीं नहीं उस टाइप का रिस्क नहीं है। हम अभी रिसेंट में एक घटना होते होते बची है। अगर उस टाइप से अगर थोड़ा और ज्यादा होता तो शायद दुखद घटना होती। हाँ। क्या है एक लड़का सबसे ऊपर जो है वहाँ झरने में उस तरफ चढ़ गया था और उनका बैलेंस नहीं बन पाया तो वो नीचे खिसक गया। एक तरफ वो जो पत्थर लगी हुई थी वहाँ पे उसका सिर टकराते टकराते बच गया है। कब? आज ही की बात है। जस्ट हम लोग नीचे नहा रहे थे। वो जो नीचे थोड़ा सा कुंड टाइप से बना है उसमें हम लोग नहा रहे थे और हमारे जस्ट ऊपर जो कम से कम वही 10 फीट ऊपर रहा होगा लड़का, वहाँ से वो अनबैलेंस हुआ और नीचे आ गया था। तो उसका जो सर है हाथ पैर में तो चोट आई है। अगर वो सर जो है पत्थर से टकराता तो बहुत बड़ी हादसा हो जाता। तो उसको आपके अलावा और कितने लोगों ने देखा? यहाँ पे लगभग सभी लोगों ने देखा। तो देखने के बाद बाकी लोग नीचे उतरे? नहीं, मैं उनको सख्त हिदायत दिए कि आप वहाँ से तुरंत हटिए। तो हटे कि नहीं? हटे सर कुछ लोग, और कुछ लोग आप बात अनसुना करके वहीं पे खड़े थे। अब क्या बोल पाओगे, जितना बोलने का था गिरेंगे तभी हटे। थोड़ा मगर माहौल लगा कि हाँ थोड़ा आदमी थोड़ा तितर बितर टाइप से हुए। क्या है एक घटना होती होती बची है तो बाकी लोग सचेत हुए और जो हम कुंड में लगभग 10-12 लोग थे उसमें से सिर्फ 2-3 लोग रह गए थे, बाकी लोग बाहर आ गए। थोड़ा घटना बड़ी हो सकती थी। राहुल जी आप कहाँ से हैं? मैं महासमुंद जिला से हूं सर। आप भी नहा रहे थे? जी नहा रहा था मैं भी। आप भी खतरा उतरा तो नहीं बोल? नहीं नहीं खतरा नहीं, हम नीचे ही नहाए। नीचे ही नहाए? जी जी। अच्छा वो टॉवल पहन के आप ही नहा रहे थे? जी जी वही नहा रहा था टॉवल। मैं देखा था आप ऊपर नहाने के मूड से नहीं आया था, चले सारा मूड बन गया तो नहा लेता हूं करके। जी जी। लेकिन आप भी रिस्क ले रहे थे गुरु जी? थोड़ा ऊपर चढ़ रहा था सर। हाँ रिस्क नहीं ले। किसके साथ आए? सब साथी हैं, फैमिली भी है। साथ में हैं जी। तो परिवार के लोग भी हैं? जी परिवार के लोग भी हैं। ये सब अपने साथ हैं? बच्चे लोग के साथ आए? हाँ बच्चे लोग के साथ आए हैं। ऐसा मत कीजिए साहू जी, एक अच्छा मैसेज दीजिए आए परिवार के साथ। आप ही ऐसा करेंगे तो आपको देख के तो बाकी लोग भी गलतियां करेंगे। जी जी है ना। देखिए आप बता रहे हैं भैया की नॉर्मली मतलब वहाँ देखिए घटनाएं बताकर नहीं आती, बहुत नॉर्मली हो जाती। मैं बता रहा हूँ कि आप अगर लापरवाही से पैदल चल रहे हैं तो यहीं आपका पैर फंस जाएगा और आप सर के बल इस पत्थर से टकराएंगे और उससे भी मौत हो जाएगी। जी जी। तो अगर आप खुशियां मनाने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं तो किसी के लिए समस्या का मतलब कारण ना बने। अच्छा एक मैसेज दे दें अगर आप लोगों की जो गंदगी कर रहे हैं पर्यटक, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, जो भी अपना साथ ला रहे हैं कूड़ा करकट जो भी खा रहे हैं अपना चिप्स कुरकुरे वो अपना पॉलिथीन अपने बैग में ही भर के बाहर एक डस्टबिन में डाल दें। क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आप समिति के ऊपर ना डाल दें, है ना। समिति आपसे 10 रुपए ले रही है तो ताकि ग्रामीणों को भी व्यापार 2 रुपए का फायदा हो, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप इतना कचरा फैला दें कि उनको 200 रुपए दिहाड़ी में मजदूर लगाना पड़े सफाई के लिए। बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। आओ आपसे भी आखिरी कमेंट ले लेता हूँ और दर्शकों को थोड़ा सा जलप्रपात भी दिखा देते हैं। हालांकि जलप्रपात बहुत धन्यवाद भैया आप सभी लोग का। मेरे कई दर्शक मेरे को चिल्लाते हैं, बोलते हैं यार तिवारी सर आप बात करते हो निकल लेते हो। धन्यवाद भैया आप सबको धन्यवाद। तो जरूर आऊंगा। अरे भैया आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोग मेरे से बात कर रहे हो। तो ये वो खूबसूरत जलप्रपात है जो रिजवान भाई हमको अभी। अच्छा रिजवान भाई अभी केशकाल बहुत बचा है एक्सप्लोर करना, अभी आपके साथ और भी घूमेंगे समय निकाल के ना। काफी टाइम लग जाएगा अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो, कम से कम 5 से 6 दिन। हाँ लेकिन दर्शकों के लिए करेंगे दर्शक। किस तरह से लोग छूट के आओ, इधर से आ जाओ, इधर से दिखाओ हमें, इधर आ जाओ। हाँ दिखाते हुए आओ रिजवान भाई। ये बताओ थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि और भी पर्यटक आए, मैं चाहता हूँ कि सरकार भी इस पे कुछ यहाँ पे थोड़ा बैरिकेटिंग लगवा दे और कुछ ऐसा करे कि पंचायत के ग्राम लोगों को थोड़ा सा और मुनाफा बढ़ जाए।
क्योंकि दर्शकों की पर्यटकों की तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर भीड़ है, लेकिन वो लापरवाही भी है। अभी जैसे कि ना बोट्स वगैरह भी लगाया गया था, फ्लैग्स वगैरह लगाए गए थे वन विभाग के द्वारा, है ना, जिला प्रशासन के द्वारा, लोग इतने ज्यादा लापरवाही का वो करते हैं। अगर फ्लैग्स लगा है चलो कोई बात नहीं, पढ़ के इग्नोर कर दिए और उसके अलावा काम कर रहे हैं वो अलग बात भी हो जाता है ना, वो तो नहीं करना चाहिए। वो लापरवाही कर रहे हैं उनका तस्वीर लेते हैं। और अगर मान के चलिए ऊपर चढ़ना मना है करके वो फ्लैग्स लगा हुआ था ना, ये एक बार दो बार नहीं, ये हर साल का है कि जितने बार भी लगाया जाएगा बोर्ड, ये या तो गिरा दिया जाएगा या तो फाड़ दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा। अच्छा, मतलब इस लेवल का बेवकूफ़ी करते हैं लोग ये। अच्छा ये बताइए कि अगर हमारे पर्यटक जो दर्शक भी हैं वो भी आना चाहें तो यहाँ आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हमने पहले भी बताया है, जगदलपुर रायपुर हाईवे से बट्राली नामक गांव से पक्की सड़क है। इस वीडियो के कुछ दर्शक नए भी हो सकते हैं, तो जगदलपुर रायपुर हाईवे में जैसे आप केशकाल क्रॉस करेंगे और या तो आप जगदलपुर से रायपुर जाएंगे तो केशकाल पहुंचने से पहले वाला गांव बट्राली है, वहां से लेफ्ट में जैसे मुड़ेंगे काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है वाटरफॉल के लिए, वहां से आप देखते हुए जस्ट आगे जाएंगे वहां से लेफ्ट में कच्चा एक पक्की सड़क है, वहां से आप सीधा आएंगे ये रोड आपको सीधा कुएं मारी लेके आएगा। और ये इतना फेमस जलप्रपात हो गया है कि अभी किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको आराम से भी बता देगा, बोर्ड भी लगा हुआ है। तब बोर्ड कुएं मारी का नाम मैंने बहुत पहले सुना था, ये बात अलग है कि आज आ रहा हूं। हां, मैप में भी डाला हुआ है, गूगल मैप में भी आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। और पर्यटन के द्वारा कुछ और व्यवस्थाएं यहां की गई हैं? अभी फिलहाल में जो पर्यटक आता है तो यहां भोजन की व्यवस्था है, अभी जैसे समिति के द्वारा वहां कैंटीन चलाया जा रहा है, और कैंटीन के अलावा जैसे कुएं मारी जैसे यहां से ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर पे कुएं मारी है, वहां पर बहुत सारे और भी दुकान है ऑर्डर पे, वहां पर चीजें खाने वाने के लिए बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा ज्यादातर लोग टाटा मारी ही प्रिफर करते हैं वहां पर समूह से खाना वाना खाने के लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद रिजवान जी। तो ये जो है कुएं मारी का ये बहुत खूबसूरत सा जलप्रपात है, और ये भी बस्तर की एक खूबसूरती है। मुझे लगा कि बस्तर की तमाम समस्याएं और चुनौतियों के साथ बस्तर की खूबसूरती को दिखाने का जिम्मा भी उठाना चाहिए, इसलिए हम बस्तर टॉकीज के माध्यम से बहुत सारे दर्शक इस जलप्रपात को देख चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्होंने इस जलप्रपात को नहीं देखा होगा, तो उन्हें देखने के लिए हमने इस वीडियो को तैयार किया। साथ ही साथ एक सवाल है पर्यटकों से कि अगर आप किसी इस खूबसूरत जगह पर आते हैं तो उसे गंदा क्यों करते हैं इस तरह से, क्या उसे आप साफ सफाई रख लेंगे कर देंगे या साफ सुथरा ही रखेंगे, इससे आप छोटे तो हो नहीं जाएंगे। दूसरा सवाल है जिला प्रशासन से, यहाँ अगर पर्यटन के तौर पर इसे विकसित किया जाए तो इसमें क्या कुछ फायदा हो सकता है, इस पर क्या विचार कर रहे हैं? अब विचार कर रहे हैं तो इतना पुराना जलप्रपात है, इस पर आज तक जिला प्रशासन के द्वारा क्या किया गया है? तीसरा सबसे खास एक मेरी अपील है दर्शकों से कि आप आए बेशक यहाँ घूमें फिरें और मनोरंजन करें, लेकिन गंदगी ना करें। खेमे एक आखिरी तस्वीर को दिखाते हुए अब आप देखिए कि दर्शक यहाँ आते हैं पूरी व्यवस्था के साथ, दर्शक पर्यटक, और ये वो जलप्रपात है, कितना खूबसूरत जलप्रपात है, और वो जलप्रपात के बगल में यहाँ भाई लोग खाना खाए, और खाना खाने के बाद अब आप देखिए ये जूठा भोजन ऐसे ही, अब इसको कौन साफ करेगा? वहाँ चावल फेंक दिया है आपने, बताइए अन्न किसी के पैर के नीचे जाएगा, ये प्लास्टिक के ग्लास, ये डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें आपने यूं ही यहाँ पर फेंक दिया, यहाँ कौन साफ करने आएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इस जिम्मेदारी को भी आपको उठाना पड़ेगा। खूबसूरत बस्तर है, खूबसूरत रहने दीजिए, हर कोई गंद क्यों मचा रहे हो यहाँ पर, हर कोई, प्रकृति ने कितना खूबसूरत दिया है आपको बस्तर, और आप उसको क्यों नर्क बनाने पे तुले हो हर तरफ से। तो मैं एक अपील करूँगा, आइए घूमिए, लुत्फ लीजिए, मज़ा कीजिए, इंजॉय कीजिए, गंदा मत कीजिए। अगर लगे कि मेरी अपील ठीक ठाक है, हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।